मैं नमन करता हूँ तथागत बुद्ध को, नमन करता हूँ परम पूज्य बाबा साहब को, नमन करता हूँ उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए अर्पित किया। मैं नमन करता हूँ देश विदेश के तमाम भिक्षु संघ को। मैं नमन करता हूँ आज जो हमारे बीच एक 80 वर्ष के युवा बैठे हुए हैं डॉक्टर डीबीएस सहरा साहब को। आज के सफल कार्यक्रम के आयोजक एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन गांव ताहिरपुर के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग, सम्मानित मंच, समारोह में उपस्थित सभी भीम बंधुओं, सभी भीम सैनिकों, भीम सैनिकाओं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की। इसी के साथ मैं अपने 13 भीम सैनिकों को भी शहीद करता हूँ जिन्होंने 2 अप्रैल के आंदोलन में अपनी शहादत दी। मैं उनके माँ बापों को भी सलूट करता हूँ। सम्मानित साथियों, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि किसान खेत में काम तो करता है लेकिन उसकी जमीन में हिस्सेदारी नहीं है। देश का कोई भी जमींदार अपने किसान खेत में काम नहीं करता। जो किसान के रूप में अपना पसीना उस जमीन पर बहाकर इस देश में अन्न उगाता है उसके हिस्से में कुछ चंद दाने मिलते हैं, ज्यादातर हिस्सा जमींदार के खेत में जाता है। अभी हमारी बहन राखी रावण बता रही थी कि हमें भारतीय संविधान के द्वारा देश में समानता का अधिकार दिया है, परंतु देश आजाद होने के बाद भी आज समाज में इतनी गैर बराबरी स्थापित कर दी है जो एक देश में विस्फोटक की स्थिति की तरफ जा रही है। इसमें जिम्मेदार संविधान नहीं, संविधान के पालनकर्ता जिम्मेदार हैं। आज शहर में कहते हैं कि देश विकास कर रहा है। अगर शहर में मजदूर काम करता है तो जिस दिन मजदूरी करने आता है वो तब भी झोपड़ी में रहता है, और जब उस बिल्डिंग की इमारत को पूरी करके जाता है तब भी वो झोपड़ी में रहता है, लेकिन उस बिल्डिंग का मालिक कोई और होता है। बिल्डिंग की मालिक में और बिल्डिंग बनाने के में जो मजदूर होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर आज देश की सरकार ने पैदा कर दिया है। सम्मानित साथियों, आज अगर हम वास्तविक में देखें, बाबा साहब को एक जाति का मसीहा बताना उनके साथ ही अन्यायपूर्ण है। यदि हमें बाबा साहब को मानना है तो उसके लिए बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। जितने भी हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, जितनी भी हमारी माता बहनें बैठी हैं, अगर आप बाबा साहब के बारे में दृढ़ चिंतन करेंगे तो आप अपने आप को इस देश की धनवान व्यक्ति मानेंगे, क्योंकि बाबा साहब के पास ना कुछ होते हुए भी इस देश को बहुत कुछ देके गए हैं। वो आपको एक अमीर बना के गए हैं। साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार जो बाबा साहब चाहते थे वैसा ही अगर इस देश का निर्माण करना है तो हमें सबसे पहले बाबा साहब की बात माननी पड़ेगी। बाबा साहब की बात मानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है कि हम जातीय स्तर की बात करना बंद कर दें। जो व्यक्ति जातिवादी है वो अपराधी है, यह व्यवस्था हमें अपनानी पड़ेगी। हमें बाबा साहब को मानवता का प्रतीक मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बाबा साहब को मानवता का प्रतीक मानती है। जिस दिन हम बाबा साहब को मानवता का प्रतीक मान लेंगे और इस बात को अपनी व्यवहारिकता में ले आएंगे, निश्चित हम भारत के इस देश को प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर देंगे। अंत में मैं इस सफल कार्यक्रम के आयोजकों को पुनः बधाई देता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें अभी अपने मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है, और यही अपील करूंगा
कि हम बाबा साहब के जन्मदिन पर संकल्प लेके जाएं, जो संकल्प राखी रावण ने दिलवाया था वो महिलाओं के लिए दिलवाया था। मैं जितने भी हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी एक संकल्प चाहूँगा कि वो भी अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को जातीय स्तर पर जो एक हीन भावना की स्थिति एक बच्चों के अंदर पैदा की हुई है उसको निकाल दें, अपने आप को इस देश के महान मानव की संतान माने, अपने आप को उस संतान की उस पुत्र उस पिता की संतान माने जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। निश्चित आपका कल्याण होगा, आपके देश का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा। मैं अंत में आप सभी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामना देता हूं और पुनः सफल कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।